विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें से सही है। तो लिख लेते हैं हम लोग, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हेप्टेन है ना, हेप्टा, ये हेप्टा ना, तो वर्ड रूट 7 हो गया, तो 7 कार्बन वाला यहाँ बना ले हम लोग, एक एक दो तीन चार पांच छ सात। 3 पे इथाइल है, इथाइल होता है ऐसे, होता है इथाइल CH2CS, इथाइल ही होता है CH2CS3, ये इथाइल होता है, तो मैंने लगा दिया, ऐसे नहीं लगा रहा, इथाइल लगा दिया बस। उसके बाद क्या, 4,4-डाइमिथाइल, चौथे पे 2 मिथाइल लगा दो, लगा दिया 4,4-डाइमिथाइल। अब आपको बताना है क्या ये नंबरिंग सही है, देखते हैं हम लोग, यही बना ना। ओके अब देखो इसमें पेरेंट चेन ये हमारा कंपाउंड है, इसका सही नाम क्या लिखना है, हो सकता है यही हो। तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते वक्त मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्या ध्यान रखना होता है, कि आप पेरेंट चेन वो वाली सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आए। अगर दो चेन ऐसी आ रही है जिसमें सेम ही आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो मल्टीपल बॉन्ड देखते हो, मल्टीपल बॉन्ड से भी बात नहीं बन रही तो आप नंबर ऑफ कार्बन देखते हो, नंबर ऑफ कार्बन से भी बात नहीं बन रही तो लोअर सेट ऑफ लोकेट रूल देखते हो। ये सीक्वेंस होता है ना। तो अब यहाँ पे तो कोई मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कुछ है नहीं, तो आप देखो मैक्सिमम कार्बन किस में आ रहे हैं पेरेंट चेन में, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, 7 कार्बन की चेन बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो एक ही बात है, ये भी चेन हो सकती है, वो भी चेन हो सकती है। 7 से लंबी चेन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट चेन तो मेरी इन दोनों में से होने वाली है, ग्रीन या रेड में से, और वो दोनों एक ही बात है बेसिकली, क्योंकि इधर इस कार्बन के बाद इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, वो कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। तो पेरेंट चेन तो मान लो मैंने रेड वाली सिलेक्ट कर रखी है, ग्रीन वाली हटा देते हैं, पेरेंट चेन का झंझट खत्म हो गया। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग क्या मैंने सही करी है देखो जरा, अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं तो लोकेट कौन कौन से आ रहे हैं देखो जरा, फोर और फाइव, 4, 4, 2 है ना, 4, 4, 5। और अगर मैं इधर से करता हूं नंबरिंग दूसरी तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आएगा 3, 4, 4। तो ये जीत गया, नंबरिंग भी सही करी है हमने, नंबरिंग भी सही करी है। अब इनको लिखने वाली बात है, देखो तो 3 आ गया। अब इनको रखोगे कैसे, इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल पहले आता है, तो इथाइल पहले देखो, डाई को नहीं देखना आपने, ये जो डाई होता है ना, डाई ट्राई, जैसे यहाँ पे चौथे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है, होता देखो मिथाइल यहाँ पे चौथे नंबर पे लगा तो मिथाइल है ना, वो दो लगे उससे क्या हो गया, लगे तो है तो मिथाइल ही, तो आप अल्फाबेटिकल में किसको कंसिडर करोगे, मिथाइल को, डाई ट्राई टेट्राइन सबको कंसिडर नहीं किया जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आता है, इसलिए इथाइल पहले रखा जाएगा। तो 3-ethyl-4,4-dimethylheptane इज करेक्ट नेम, सही नाम है ये। अगला देखते हैं, 4,4-dimethyl ये ड्रॉ कर लेते हैं फिर देखेंगे। हेप्टेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया हेप्टेन, 3-ethyl लो, 3-ethyl-4,4-dimethyl, नहीं, ये नहीं ना, ये तो गलत हो गया, आपको 3-ethyl पहले लिखना है ना, 4,4-dimethyl से ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही है, गलत है ये नाम इसका, 3-ethyl पहले लिखोगे ना, क्योंकि इथाइल पहले आता मिथाइल से, तो गलत है ये। अगला 5-ethyl-4,4-dimethyl हेप्टेन, नहीं, ऐसा नहीं करना, नंबरिंग ऐसे नहीं करनी, ये तो वही कंपाउंड ही चले आ रहा है, देखो ये वही कंपाउंड है, इसने नंबरिंग यहां से कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 5-ethyl-4,4-dimethyl, अरे ऐसे नहीं करनी नंबरिंग, लोअर सेट ऑफ लोकेट रूल को वायलेट कर रहा हूँ, समझ में आ गया बात है, ये गलत है। फिर क्या है, 4,4-bis-methyl, नहीं ऐसे नहीं करना, देखो
बिस पता कब लगता है, जब कॉम्प्लेक्स से सब्स्टिट्यूएंट हो। ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में कंपाउंड सब में यही था, ठीक है ना। इसका बिस नहीं लिखोगे। देखो मिथाइल 2 बार लगा था, जब मिथाइल ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जिनकी फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे ये पेरेंट चेन है अपनी, क्योंकि पेरेंट चेन है ना, ये होगी ब्रांचिंग, ये उसकी ब्रांच हो गया ना। क्या ब्रांच के आगे कोई ब्रांचिंग हुई हुई है? जैसे मान लो यहां पे भी मैं कुछ और लगाता, CS3 लगाता, तो मैंने ब्रांचिंग के आगे ब्रांचिंग कर दी, है ना। तो अगर ऐसे ब्रांचिंग के आगे ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और अगर ब्रांचिंग के आगे ब्रांचिंग नहीं है तो उसको कहते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को तो हम लोग क्या करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा। अगर एक से ज्यादा आ जाए तो ऐसे करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। कॉम्प्लेक्स हो तो बिस, अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो बिस ट्रेस टेट्रा किस, इस तरह से मल्टीप्लिसिटी दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। अब मिथाइल तो यार सिंपल था, कॉम्प्लेक्स थोड़े थे, तो बिस क्यों यूज कर दिया? बिस थोड़ी यूज करोगे, डाई करोगे यूज, तो एक गलत हो गया, ठीक है। करेक्ट IUPAC नेम फॉर दिस, इसका सही IUPAC नेम लिखना। तो पहले भी इसको खोल के लिख लो, मिसलीडिंग है ये, CH, इसको CH2 CH3 लिख लो, ऐसे इथाइल को CH CH2 CH3 CH3, ये है ना ये। तो अब यही होगी पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6, यही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसका नाम क्या होगा, देखो थर्ड पे मिथाइल लगा, फोर्थ पे मिथाइल लगा, तो 3 4 डाइमिथाइल हेक्स एन, यही होगा नाम ना। वर्ड रूट हेक्स हो गया, 1 डिग्री सफिक्स एन हो गया, 3 4 डाइमिथाइल 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। सेकेंड इज द आंसर।